up my YouTube family, this side is Professor Chirag. आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ. आज का वीडियो होगा अबाउट डॉक्ट्रिन, ऐसे डॉक्ट्रिन्स जो आप लोगों ने कंपनीज एक्ट के अंदर भी सुना होगा और सी एस एग्जीक्यूटिव में सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर के अंदर भी सुना होगा. डॉक्ट्रिन का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस. क्या नाम? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस. अच्छा, सबसे पहले यार डॉक्ट्रिन जहां पे लग जाए ना, डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है याद रखना. डॉक्ट्रिन का मतलब होता है रूल. डॉक्ट्रिन का मतलब होता है रूल. और अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या है? अल्ट्रा वायरस का मतलब है बियॉन्ड द पावर. बियॉन्ड द पावर, द रूल जहां पे ये आपको बताता है कि जब कभी भी कोई हरकत होती है ऐसी जो बियॉन्ड द पावर है तो उसके टाइम पे अपन इसको कैसे डील करते हैं, ये अपने को नेक्स्ट पढ़ना है. अब दोस्तों पहली बात समझिएगा, मैं मानता हूं कि आप सबको पता होगा कि बेटा जब भी कभी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो इसके दो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. पहला डॉक्यूमेंट होता है इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है इसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. बेटा जिसको मैंने अभी येलो मार्क किया है, ये मार्क आपको डिपेक्ट कर रहा है कि ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक क्लॉज होता है जिसको आप बुलाते हो द ऑब्जेक्ट क्लॉज. एंड बेटा ये जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है ना, ये सेट करता है द पावर. ये सेट करता है द पावर ऑफ द कंपनी. क्या यहां तक साथ में? बेटा एमओए से पता पड़ गया कि मेरी कंपनी का पावर कितना है. अगर इससे ज्यादा बाहर की हरकत की तो आपने कौन सी वाली हरकत कर दी? अल्ट्रा वायरस वाली हरकत कर दी ना भाई, बियॉन्ड द पावर वाली हरकत कर दी. सेकंड, अब आपने समझना है मैंने एओए क्यों लिखा. बेटा विद द हेल्प ऑफ एओए आप क्या करते हो, ये बताते हो कि आपकी कंपनी में आपके डायरेक्टर्स का पावर कितना है. जाहिर सी बात है जितना कंपनी का पावर है उतना पूरा का पूरा तो आप दे नहीं दोगे. आप बोलते हो कि भाई डायरेक्टर्स का इतना पावर है, इससे ज़्यादा अगर उनको कुछ काम करना है तो शेयर होल्डर्स को बुलाओ, उनकी परमिशन लो और अगर वो हाँ बोल देते हैं तो आप उसे कर सकते हैं. तो बाय एओए आप अपने डायरेक्टर्स का पावर बताते हो कि उनका कितना पावर है. एंड जाहिर सी बात है डायरेक्टर्स का पावर कंपनी से कम होगा. और अगर डायरेक्टर्स ने कोई अपनी पावर से मतलब एओए से दी गई पावर से ज़्यादा की हरकत कर दी तो आप फिर क्या बोलते हो कि डायरेक्टर्स ने कौन सी हरकत की है? बियॉन्ड द पावर. यहां से आपको क्या समझ में आता है कि दोस्तों अल्ट्रा वायरस दो तरीके के होते हैं. जब कभी भी आप लोग अल्ट्रा वायरस वर्ड यूज करेंगे, अल्ट्रा वायरस दो तरीके का होता है. एक होता है अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी, एक होता है अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी और दूसरा होता है अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर्स. मतलब एक ऐसी हरकत है जो डायरेक्टर्स के पावर के बाहर है और एक ऐसी हरकत है जो कंपनी के पावर के बाहर है. यहां तक दोनों साथ में. अच्छा मैंने इसको यहीं रोक दो, मैं ना आपको मेरे घर का एग्जांपल देता हूं, उसके बाद इस पर वापस आएंगे. अच्छा मैं जो अब दो सर्कल्स बनाने जा रहा हूं, मान लीजिएगा ये जो मैंने सर्कल बनाया ना ये मेरा पावर है, ये जो मैंने सर्कल बनाया ना ये पापा का पावर है. एकदम ठीक है. अंदर वाले सर्कल का पावर मेरा, ऊपर वाले सर्कल का पावर पापा का. मैं गया घर पे, संडे का दिन था, सुबह सुबह पापा से मिला. मैं कहा पापा आई लव यू, 1,00,000 रुपए दे दो, थोड़ा अर्जेंट से काम है. पापा ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया. बोला चल भाग यहां से निकल, ऐसे काम करेगा, 1,00,000 रुपए चाहिए तुझे. मैं घर के नीचे गया, पत्थर उठाया, घुमाया पत्थर और डायरेक्ट घर की तरफ थ्रो मारा. एक कांच फोड़ दिया. अब जैसे ही मैंने एक कांच फोड़ा, पापा बाहर आए. पॉज, मेरे को एक बात बताओ, क्या पापा चाहे तो मेरे को बोल सकते हैं कि साले आज के बाद अगर तूने घर में पांव रख दिया तो तेरे पांव तोड़ दूंगा? या फिर चाहे तो क्या पापा ऐसा भी बोल सकते हैं कि चल गुस्सा छोड़ दे ऊपर आ जा? आपने बोला सर दोनों ही चीजें हो सकती है, पापा गुस्सा भी हो सकते हैं, पापा माफ भी कर सकते हैं. तो बेटा क्या मैं कह सकता हूं कि अभी जो मैंने हरकत करी वो मैंने मेरे पावर के बाहर की हरकत करी पर मेरे पापा माफ कर सकते हैं ऐसी हरकत करी? यहां तक एकदम ठीक है. तो ये पहला एक्ट है, मैं बता रहा हूं आप खाली यहीं रुके. केस टू, मैं घर गया, पापा से 1,00,000 मांगे, पापा ने घर से नीचे उतार दिया. मैंने फिर पत्थर उठाया, पत्थर घुमाया, घर की तरफ फेंकने वाला था, हवा का तेज झोंका आया, मैं मुड़ गया और सामने से पापा के दोस्त आ रहे थे. ये पत्थर डायरेक्ट एकदम सेंटर ऑफ द हेड लगा, अगला बंदा वहीं पे रवाना, वहीं पे उसकी डेथ हो गई. अच्छा अब क्या पापा बाहर आके बोल सकते हैं व्हाट अ ग्रेट शॉट बेटा, मजा आ गया, क्या मारा है पत्थर, आ जाओ ऊपर चाय पिलाता हूं? नहीं. क्यों?
क्योंकि इस बार जो मैंने हरकत की वो मेरे पावर के बाहर थी और मुझे पापा भी माफ नहीं कर सकते, मैंने इस बार पापा के पावर के भी बाहर की हरकत करी है। एकदम सही है। तो आपने बोला कि सर ये वाला जो कांच तोड़ा था ना आपने, ये वाला भी था तो आपके पावर के बाहर ही, पर अगर पापा चाहे तो माफ कर सकते थे। और सेकेंड वाला केस, ये वाला आपके पावर के भी बाहर था और आपके पापा के पावर के भी बाहर था, यहां तो पापा चाहे तब भी आपको माफ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे तो पुलिस आएगी ही आएगी। अब बेटा इसी डायग्राम में पापा को हटाओ, मेरे को हटाओ और स्ट्रेट अवे कंपनीज एक्ट लेके आओ। मान लो कि ये जो अंदर वाला व्हील है ये है पावर ऑफ डायरेक्टर्स, ये है पावर ऑफ डायरेक्टर्स, एक सेकेंड में हटा दूं, और ये जो बाहर वाला व्हील है ये है पावर ऑफ कंपनी। सही है। तो ये आपके एओए के थ्रू पता पड़ा, ये आपके एमओए के थ्रू पता पड़ा। अब नाउ एनी एक्ट विच इज डन बाय द डायरेक्टर्स विच इज बियॉन्ड देयर पावर बट विद इन द पावर ऑफ द कंपनी, ऐसी हरकत जो डायरेक्टर्स ने की है जो उनके पावर के बाहर है पर कंपनी के पावर के विद इन है, ऐसा एक्ट अगर कंपनी चाहे, इफ द कंपनी वॉन्ट्स, माइट बी रेटिफाइड। बेटा रेटिफाइड का मतलब क्या होता है? अच्छा देखना, दो वर्ड्स होते हैं, रेक्टिफाई रेटिफाई। मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं रेटिफाई का। रेटिफाई का मतलब होता है टू अप्रूव, रेटिफाई का मतलब क्या होता है? टू अप्रूव। तो याद रहे दोस्तों, जब कभी भी अगर आपने कोई ऐसी हरकत की है जो डायरेक्टर्स के पावर के बाहर थी पर कंपनी के पावर के विद इन थी, तो ऐसी गलती माफ भी कर सकते हैं। क्या मेरे पापा भी वो जब मैंने कांच तोड़ा था तो मुझे माफ कर पा रहे थे? यस। सेकंड गलती, दिस टाइम यू हैव डन अ मिस्टेक विच इज बियॉन्ड योर पावर एंड बियॉन्ड द कंपनीज पावर। बेटा ऐसा एक्ट जो आपके पावर के भी बाहर है और कंपनी के पावर के भी बाहर है, तो जाहिर सी बात है इसमें आपको पावर में, सॉरी, इसमें आपको माफी नहीं मिल सकती। सो द कंपनी कैन नॉट रेटिफाई सच एन एक्ट इवन इफ द एंटायर शेयर होल्डर्स आर रेडी टू रेटिफाई। सही बात है बेटा। वो जब केस में मेरे हाथ से पत्थर पापा के दोस्त को लग गया था, चाहे मेरे पापा चाहे मेरी मम्मी सब मुझे माफ करना भी चाहते हैं, कर पाते क्या? नहीं, क्योंकि अब माफी देना उनके पावर के बाहर निकल गया है। सो यहां पे समझना बेटा, देयर आर टू काइंड्स ऑफ अल्ट्रा वायरस, एक होता है अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी और एक होता है अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर्स। अब आराम से देखना, एनी एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी कैन नॉट बी रेटिफाइड, कभी नहीं रेटिफाई हो पाएगा, कैन नॉट बी रेटिफाइड। हाउएवर एनी एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर्स, बेटा लाइन सुनना, दो तरीके के अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर हो सकते हैं बेटा। एक ऐसा एक्ट हो सकता है जो अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर है पर इंट्रा वायरस टू द कंपनी है, मतलब डायरेक्टर्स के पावर के तो बाहर था पर कंपनी के पावर के विद इन था, तो ऐसी चीज को आप लोग रेटिफाई कर सकते हैं, मतलब अप्रूव कर सकते हैं, ऐसी चीज को आप अप्रूव कर सकते हैं। और अगर ऐसी चीज अप्रूव हो गई, मतलब ये गलती आपने माफ कर दी, तो इसमें सारी लाइबिलिटी कंपनी खुद के ऊपर ले लेती है, कंपनी खुद के ऊपर सारी लाइबिलिटी ले लेती है। जबकि एक और केस ऐसा हो सकता है बेटा, अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर एंड ऑल्सो अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी। बेटा वापस से, अगर आपका अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी हो गया, अगर आपका अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी हो गया, तो मैंने अभी अभी ऊपर ट्रीटमेंट बताया था, इट कैन नॉट बी रेटिफाइड। बेटा अगर ये रेटिफाई नहीं हो सकता, दोनों केसेस, अगर कंपनी रेटिफाई नहीं करती या फिर ये रेटिफाई नहीं हो सकता, दोनों ही केसेस के अंदर आपकी जो लाइबिलिटी है, आपकी जो
लाइबिलिटी है, अब वो कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर रही, अब वो कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर रही। और अगर लाइबिलिटी कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं करी तो ऑटोमेटिकली एक चीज समझ जाइएगा कि डायरेक्टर्स पर्सनली लाइबल हो जाएंगे, डायरेक्टर्स पर्सनली लाइबल हो जाएंगे। तो यहां पे आपको क्या समझ में आया, अगर एक्ट अप्रूव हो गया द कंपनी विल बी लाइबल, एंड अगर एक्ट कैन नॉट बी अप्रूव्ड, कैन नॉट बी अप्रूव्ड और हैज नॉट बीन अप्रूव्ड, मतलब कि अप्रूव हो भी नहीं सकता था, या फिर कोई एक्ट अप्रूव हो सकता था पर उसको कंपनी ने अप्रूव नहीं किया, ऐसे केस में डायरेक्टर्स पर्सनली लाइबल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। सो दिस वॉज एवरीथिंग एंड ऑल अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। आई बिलीव कि आप लोगों को ये लेक्चर प्रॉपरली समझ में आ चुका होगा, छोटा सा टॉपिक था पर एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है यार। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मेरा नंबर वीडियोस पे अवेलेबल होता है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू बी एज सून एज पॉसिबल आपसे कॉन्टैक्ट में आने का। आज का लेक्चर देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करिए चैनल को, मिलते रहेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड अच्छे अच्छे कंसेप्ट ऐसे ही सिंपल फॉर्म में आपको समझाने के लिए। मैं वापस आता रहूँगा।